नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ी सीटें। आज से घर घर में जाकर होगा मतदाताओं का सत्यापन। आईएएस केके पाठक का एफिलिएटेड कॉलेज का नया फरमान। बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में रचा इतिहास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ी सीटें। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए सत्र से 13,675 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा, क्योंकि अब इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2,810 सीटें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले साल 10,865 सीटों पर एडमिशन लिया गया था। मालूम हो कि इस बार सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 360 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। केवल MIT मुजफ्फरपुर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 355 सीटें हैं। दरअसल सभी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस संबंधित कोर्स की पढ़ाई नए सत्र 2023-24 से शुरू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BCE CEB यानी कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में छात्र BCE CEB की वेबसाइट https://bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। 500 गांव में पूरा हुआ जमीन का सर्वे। बिहार में अब तक 500 से अधिक गांव में जमीन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब सर्वे का कच्चा पर्चा का वितरण किया जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ समय से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने के कारण कच्चा नक्शा का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। इसके मद्देनजर इन गांव में जमीन सर्वे का सिर्फ कच्चा पर्चा वितरण करने का आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ताकि इन गाँव के लोग कच्चा पर्चा के आधार पर अपनी अपनी जमीन प्लॉट खाता खेसरा संख्या 34 समेत अन्य की जाँच पड़ताल कर सके। से कच्चा पर्चा में मौजूद किसी प्रकार की गड़बड़ी को सुधार कर इसके आधार पर पक्का और अंतिम सर्वे दस्तावेज प्रकाशित किया जा सके। मालूम हो कि इन गांवों का 2 से 3 महीने में अंतिम सर्वे दस्तावेज प्रकाशित होने की संभावना है। इसके बाद राज्य में सर्वे कार्य पूर्ण हुए गांवों की संख्या 500 से बढ़कर 1,000 से अधिक हो जाएगी। ISKK पाठक का एफिलिएटेड कॉलेज का नया फरमान। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज को लेकर नया फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत अब नए आदेश के मुताबिक वैसे कॉलेज जहां स्टूडेंट्स की संख्या नाम मात्र की है उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसको लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही KK पाठक के द्वारा यह भी कहा गया है कि कागज पर स्टूडेंट्स को दिखाने वाले एफिलिएटेड अल्पसंख्यक कॉलेज को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने शिक्षकों और कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी भी मांगी है, जो कि कुलपतियों को दोपहर 3 बजे तक शिक्षा विभाग को भेजने होगी। वही अटेंडेंस सीट उपलब्ध नहीं किए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। CUET PG का रिजल्ट हुआ जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा CUET PG का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी उन छात्रों में हैं जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था, तो वह अपना रिजल्ट CUET की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में करीब 8.7 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस बारे में UGC के चेयरमैन के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि CUET PG परिणाम अब http://cuet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों के परिणाम उन विश्वविद्यालयों के साथ भी साझा किए गए हैं जहां उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के संपर्क में रहें। CM नीतीश ने 34 अग्निशमन वाहनों का किया लोकार्पण। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा के शुद्धिकरण के लिए 34 अग्निशमन वाहनों को संवाद भवन के सामने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि इस दौरान CM नीतीश कुमार के साथ विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि सभी अग्निशमन वाहन 5,000 लीटर जल की क्षमता वाले हैं। मालूम हो कि आज का यह कार्यक्रम गृह विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण करने का यह बड़ा फैसला जिलों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। बता दें कि अब यह 34 अग्निशमन वाहन अलग अलग स्थानों पर तैनात हो जाएंगे। बेगूसराय में 22 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कल यानी कि 22 जुलाई को बिहार के बेगूसराय में जिला नियोजनालय के द्वारा एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वेंडर स्टील फिक्सिंग और कारपेंट्री कंपनी की ओर से 60 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि इस रोजगार मेले में कक्षा 5वीं पास से लेकर ITI पास हुए अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, हालांकि उनकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। बता दें इस बात की जानकारी बेगूसराय जिला नियोजन अधिकारी राणा अमितेश के द्वारा दी गई है। इस रोजगार मेले के तहत बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। आज से घर घर में जाकर होगा मतदाताओं का सत्यापन।
आज यानी कि 21 जुलाई से बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा राज्य के हर घर में जाकर मतदाताओं के सत्यापन करने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि इस दौरान अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो या किसी मतदाता के द्वारा अपना पता बदल दिया गया हो तो वैसे मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। मालूम हो कि यह काम आज से शुरू होकर अगले एक महीने तक चलने वाला है और फिर इसके बाद 26 दिसंबर को सभी दावा आपत्तियों का निष्पादन 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची कर प्रकाशन कर दिया जाएगा। बता दें कि सत्यापन के दौरान यह भी देखा जाएगा कि मतदाता सूची में कोई ऐसी तस्वीर न हो जो गैर मानवीय हो। इसके बाद बूथ की परिधि का निर्धारण करने का काम किया जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट 1 से 8 तक तैयार किया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर शुरू होने वाली है बहाली। बीते दिन राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भोजपुर जिले में एक बहुत बड़ा मॉडल सदर अस्पताल और शिशु गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही राज्य में स्वास्थ्य विभाग में बेरोजगार युवकों को 1.5 लाख पदों पर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पहले मरीजों की सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में 200 से 300 दवाएं मिलती थी, जिसकी संख्या को अब बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से प्रदेश के प्रत्येक जिला में एक मॉडल अस्पताल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही स्वास्थ्य सेवाओं में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजफ्फरपुर में 3 लाख की विदेशी शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के सादातपुर का है, जहां मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक की बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान शराब धंधेबाज पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो गए। हालांकि फिलहाल पुलिस के द्वारा धंधेबाजों को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाठीचार्ज को लेकर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा निकाले गए विधानसभा मार्च में पटना पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसको लेकर इस मामले पर दाखिल जनहित याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में पटना के भूपेश नारायण के द्वारा मांग करते हुए कहा गया है कि लाठी चार्ज की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से कराया जाए, और साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए। बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली को लेकर बिना विलंब शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि बीते 19 जुलाई को खत्म हो चुकी है। हालांकि विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई 2023 यानी कि कल तक निर्धारित की गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है, उनके पास आवेदन करने का विलंब शुल्क के साथ कल तक का अंतिम मौका है। हालांकि 19 जुलाई तक आवेदन करने वालों में प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए 9.20 गुना अधिक, माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए 1.82 अधिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए महज 2/3 आवेदकों के द्वारा ही अंतिम रूप से आवेदन किया गया है, यानी कि कुल 8.50 लाख आवेदकों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिसमें से 7.92 लाख आवेदकों के द्वारा अंतिम रूप से आवेदन किया गया है। मोदी सर ने विवाद पर राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। आज यानी कि शुक्रवार को मोदी सर ने विवाद पर राहुल गांधी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी के द्वारा कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखा गया, जिसको सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर अब भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 4 अगस्त को की जाएगी। मालूम हो कि राहुल गांधी के द्वारा की गई याचिका में यह कहा गया है कि अगर 7 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा। 11 ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदलाव। पुमेर के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के भटनी यार्ड में इंजीनियरिंग वर्क के लिए ब्लॉक किए जाने के कारण 11 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि जिन 11 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है, उनमें गाड़ी संख्या 13020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15027 हटिया गोरखपुर, गाड़ी संख्या 14005 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 14006
आनंद विहार टर्मिनस सीतामढ़ी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12554, नई दिल्ली सहरसा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15707, कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 02569, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02563, बरौनी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 12530, लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15048, गोरखपुर कोलकाता टर्मिनल एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14674 अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस के नाम शामिल हैं। बीजेपी नेता विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। 13 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी पार्टियों के द्वारा विधानसभा मार्च निकाली गई थी, जिसमें बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी की ओर से ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी मौत विधानसभा मार्च के दौरान पटना पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज से हुई है। लेकिन अब विजय सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो चुका है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि विजय सिंह की मृत्यु हृदय रोग एवं इससे जुड़ी जटिलताओं के कारण हुई है। ऐसे में इस प्रकार सीसीटीवी फुटेज, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, उनके साथी के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि से स्पष्ट होता है कि विजय सिंह की मृत्यु प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज से नहीं हुई थी। सीसीटीवी से स्पष्ट होता है कि उस दिन वह 1:22 से 1:27 बजे तक छज्जूबाग क्षेत्र में ही थे। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में रचा इतिहास। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के द्वारा वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए इतिहास रच दिया गया है। बता दें कि पहले दिन के खेल में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के द्वारा कमाल की शतकीय पारी साझेदारी की गई और इसी के साथ अपने नाम एक खास उपलब्धि हासिल कर ली गई। मालूम हो कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने यह कारनामा 24 साल बाद कर दिखाया, जिसकी हर कोई बात कर रहा है। दरअसल साल 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू श्रृंखला के दौरान एस रमेश और डी गांधी ने शानदार शतकीय साझेदारी का नजारा पेश किया था। अब 24 साल के बाद रोहित और जायसवाल एक ही सीरीज में ऐसा कमाल करने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी बन गई है। इसके साथ ही वेस्टइंडीज की धरती पर सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली ओपनिंग जोड़ी के मामले में यशस्वी रोहित ने वसीम सहवाग की बराबरी कर ली है। वसीम जाफ और वीरेंद्र सहवाग ने भी वेस्टइंडीज की सरजमी पर 2 बार शतकीय साझेदारी की है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने भेजा, अब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, रवि कुमार राम, मोटू रंगीला, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी, कृष्णा कुमार, रंजीत मिश्रा, अजीत पोरश, कुश कुमार यादव, अमित कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, कृष्णा कुमार, विजेंद्र सिंह, बाबूलाल मरांडी, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार शिक्षा विभाग में के पाठक के आने से शिक्षा व्यवस्था में पहले की तुलना में सुधार आया है या नहीं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।